लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फरमाइए चौधरी हिकमत यार जंग साहब, तुम्हारी बातों से बगावत का एहसास हो रहा है इसमें। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। तुम हवा में तीर चला रहे हो सुहेल, अबीर और निकट के भरोसे अपनी बुनियादों को कमजोर कर रहे हो। आप हमदर्दी जता रहे हैं या बंद अल्फाजों में धमकी दे रहे हैं? अगर मैं कहूं कि धमकी दे रहा हूं तो बेहतर यही होगा कि ये धमकी आप अपनी बहू को दें। जब घर के चिराग से घर जलने का खतरा हो तो जिम्मेदार पड़ोसियों को नहीं ठहराया जाता चौधरी साहब। या ये कह दीजिए कि आप अपनी बहू से डर रहे हैं। खामोश! मैं भला उससे क्यों डरूंगा? उसकी औकात ही क्या है? तो उसी से बात कीजिए ना। ठीक है, मैं उसी से बात करूंगा। अबीर को ज्यादा ही पर फैला रही है, उसे सबक सिखाना ही होगा। सुहेल साहब ऐसा होगा मुझे उम्मीद ही नहीं थी। अबीर एक सीढ़ी को पार करना ही मुश्किल होता है और जैसे हम उस पर कदम रख लेते हैं तो आगे के रास्ते अपने आप आसान हो जाते हैं। सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपने मेरा बहुत साथ दिया। आपके बिना इतना कुछ करना मेरे लिए तो नामुमकिन था। नहीं अबीर, ऐसी बात नहीं है। तुम एक टैलेंटेड लड़की हो और मैंने उस टैलेंट को बाहर लाने में सिर्फ तुम्हारी मदद की है, बस। इस प्रोजेक्ट के नाम मिलने से चौधरी की बच्ची हिम्मत भी टूट गई होगी। खुद को कुछ ज्यादा ही काबिल समझते हैं। सुहेल साहब, मुझे जितनी खुशी इस प्रोजेक्ट के मिलने से नहीं है उतनी चौधरी की हार से है। अबीर, फिर तो तुम्हारे पास दो वजह होगी अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट करने की। दो वजह? हाँ, एक तो अपनी जीत की और दूसरी चौधरी के हार की। बिल्कुल। वैसे इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की असली हकदार निखत परवीन है, क्योंकि अगर उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया होता तो इस प्रोजेक्ट को हासिल करना इतना आसान नहीं होता। सच, ये सब तो उन्हीं की मेहरबानी है। अपनों को छोड़कर गैरों से जा मिली तुम। मत भूलो, तुम आज जिस खानदान को बर्बाद करना चाहती हो उसी खानदान की वजह से तुम्हारा वजूद है। कोई और तरीका नहीं मिला तो आज अपनाइए दिखाने चली आई। अगर हम लोग तुम्हें नहीं अपनाते तो आज तुम दर दर की ठोकरें खाती फिरती। दुश्मनों से भी बुरा सुलूक किया है आप लोगों ने मेरे साथ। घर के सभी लोग मुझे अपनाना चाहते थे, लेकिन सिर्फ आपकी वजह से ना वो लोग मुझे अपना पाए ना मैं उन्हें। उस घर में मेरा सांस लेना तक मुश्किल कर दिया था आप लोगों ने। बहुत लंबी जबान है तेरी। आज जिन बातों की वजह से तू खुश हो रही है कल वही बातें तुझे तकलीफ दे। क्योंकि हवा का रुख हमेशा एक तरफ नहीं रहता, बदलता रहता है और मैं अपनी बर्बादी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपने जहन में एक बात बिठा ले, मैं कुछ भी कर सकती हूं, कुछ भी। Thank you.
जय तुम्हारी वो लाडली भाभी जो बुरे वक्त की तरह मेरी जिंदगी पर मंडरा रही है, वजह वो नजमा जो मुझे इस घर से बाहर कर देना चाहती है। अम्मी, हालांकि मुझे कुछ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कहूंगा, परेशानी की वजह आप खुद हैं। क्या बकवास कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूं अम्मी, अगर पहले ही भाभी जान को आप अपनी बहू तस्लीम कर लेती तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। झूठ को अपना लूं, एक फरेबी को अपनी बहू समझकर गले लगा लूं? ये तो आप अपनी जिद पर अड़ी हैं अम्मी, वरना भाभी जान ने तो सारे सबूत दे दिए। वो भी झूठी है और उसके सबूत भी। खैर, इस बात पर आपसे बहस करना बेकार है अम्मी, लेकिन एक बात बता दूं, इस घर में जो भी तूफान आएगा उसके जिम्मेदार सिर्फ दो लोग होंगे, एक आप, दूसरे बड़े अब्बू। वो खुद को इस खानदान का सरबरा समझते हैं, लेकिन है नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि चौधरी खानदान का खोखला उन्होंने ही बनाया है। एक बात उनसे कह दी थी और आप भी सुन लीजिए, अभी भी वक्त है, संभल जाइए, वरना वक्त हाथ से निकल गया तो बहुत पछतावा होगा आपको भी और चौधरी हिकमत यार जंग को। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स ऑफिस में छोड़ आया था, वो तुमने देखे? जी। अब बड़े अब्बू, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। किस सिलसिले में? अब्बू के अली के बारे में। जी, मैं जानता हूं उनसे कुछ नहीं होगा, लेकिन बड़े अब्बू हमें पता तो लगाना चाहिए ना।
मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है। भरोसा तो मुझे भी है, वो मेरा अब्बू है। मैं इतने सुकून से नहीं बैठ सकता, आई कांट। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे उसकी फिक्र नहीं है? बड़े अब्बू, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। तो बड़े अब्बू, आपको पता तो लगाना चाहिए कि अब्बू कहाँ है और किस हाल में। आपने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया, क्या ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? अगर मुझे कुछ करना है तो क्या मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा? और फिर तुम्हें ये कैसे लगा कि मैंने अली के बारे में पता लगाने की कोई कोशिश नहीं? कम से कम आप मुझे बताएंगे कि क्या स्टेटस है, ताकि मैं अपनी तरफ से पता लगाने की कोशिश करूं। लेकिन ना तो आप इस मैटर पे डिस्कस करना चाहते हैं और ना ही मुझे कदम उठाने देना चाहते हैं। बड़े अब्बू, हम सब कितने परेशान हैं, शायद इस बात का आपको अंदाजा नहीं है। तुम भूल रहे हो, वो मेरा भाई है। तुम अपने काम पर ध्यान दो, इस मामले में क्या करना है मुझे पता है। अब आप क्या करना चाहते हैं ये तो मैं नहीं जानता, हाँ लेकिन मुझे क्या करना है ये मैं जान चुका हूं। पहले लगता था कि हम ये सब कर पाएंगे या नहीं, हमें कामयाबी हासिल होगी या नहीं। कई बार मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देता था, हालांकि तुम्हें इस बारे में बताता नहीं था। सच कहते हैं ना, इंसान जब कामयाबी हासिल कर लेता है तो वो भूल जाता है कि पुराने दिनों में क्या हुआ था। देखो ना, हम भी पहले छोटी छोटी बातों में टेंशन ले लेते थे, परेशान हो जाते थे, और आज क्या बात है अभी, क्या सोच रही? अब तो सब कुछ वैसे हो रहा जैसे तुम चाहती थी, फिर किस सोच में? बस यूं ही। बात क्या है, उदास क्यों? यही सोच रही हूँ कि मैं जो करने जा रही हूँ क्या वो ठीक होगा। ये क्या कह रही हो तुम? उन्हें जितना परेशान करना था हम कर चुके हैं, जितना जलील करना था हम कर चुके हैं, लेकिन अब हम अगर कुछ करेंगे मुझे नहीं लगता ठीक होगा। अबीर, बच्चों जैसी बातें करना बंद करो। तुम्हें लगता कि हम ज्यादा कर रहे हैं? मुझे लगता कि हम अब भी कम कर रहे हैं। तुम सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रही हो, अपनी बेइज्जती का बदला ले रही हो, और देखो आज हम उस लेवल से ऊपर पहुंच चुके हैं। अपने दिमाग में सिर्फ ये बात डाल लो कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, बस। जो परेशानी आपको है वो परेशानी मुझे भी है, पर जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूं। सर आप परेशान हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं। सर हर बात का तोड़ होता है, और यादव का तोड़ है निखत परवीन। निखत? सर जो प्रोजेक्ट अबीर को मिला है वो निखत परवीन की वजह से मिला है। निखत की पहुंच यादव तक है, अगर यादव को अपनी मुट्ठी में करना है तो निखत का सहारा लेना होगा। जुबेदा, हम नहीं चाहते कि दुनिया हमें कमजोर समझे। हम उन लोगों में अपनी गिनती नहीं करवाना चाहते जो औरत का सहारा लेकर कामयाबी हासिल करते हैं। सर मैं ये नहीं कहती कि आपकी सोच गलत है, लेकिन मुझे इस बात में कोई बुराई दिखाई नहीं देती। आज औरत हर वो काम कर सकती है जो एक जमाने में सिर्फ मर्द किया करते थे। पर नहीं सर, आप एक बिजनेसमैन हैं, और बिजनेस में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, प्रॉफिट या लॉस। बिजनेस में अगर हम इमोशनली इन्वॉल्व हो जाएं तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये मामला इमोशन का नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट का। सर मैं तो आपको सिर्फ एडवाइस दे सकती हूँ, आपको फोर्स नहीं कर सकती।
मेरा मन नहीं मान रहा है कि मैं निखत से हेल्प लूं। ये हेल्प लेने की बात नहीं है सर, ये यूज करने की बात है। हमें मौके का फायदा उठाना चाहिए। और अबीर ने भी तो यही किया, उसने पहले सोहेल को यूज किया और अब जब निखत की जरूरत पड़ी तो उसका भी इस्तेमाल किया। जुबेदा, मैं निखत से नहीं मिलना चाहता। वैसे मैं तुम्हारी बात पर गौर करूंगा। जुबी, ये तो वाकई बहुत मजेदार खबर है, यानी चौधरी की जिंदगी में मुसीबतें बढ़ गई। लेकिन बाबा, एक बात समझ में नहीं आई, ये निखत परवीन है कौन जिसने चौधरी को हिला दिया? भाई, निखत परवीन कौन है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, तुम्हारी बातों से एक बात तो कह सकता हूँ, ये जो कोई भी है कोई मामूली शख्सियत नहीं है। ये कैसे हो सकता है बाबा, आप तो चौधरी खानदान के एक एक शख्स को जानते हैं, तो फिर निखत परवीन को कैसे नहीं जानते? दरअसल जुबी, चौधरी ज्यादातर आउट ऑफ इंडिया रहता था, वो अपनी निजी जिंदगी को बिजनेस में शामिल नहीं करता था, ना वो किसी को अपनी खुशी में शरीक करता था ना गम में, इसलिए उसकी निजी जिंदगी क्या थी, किसके साथ क्या रिश्ता था, ये कोई नहीं जानता। तो पता लगाना पड़ेगा कि ये निखत क्या बला है, मतलब चौधरी जो दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरता, वो एक औरत से डरता है। अब तो मैं ये सच्चाई जान कर रही हूं, क्योंकि यही वो जरिया है जो चौधरी को धूल चटवा सकता है। अम्मी, आज पहली बार मैं आपको इतना खुश देख रहा हूं, ऐसी कौन सी खुशी मिल गई आपको? मैंने अपने दुश्मनों को मात देना शुरू कर दिया है, और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है चौधरी हिकमत यारचक। लेकिन उनसे आपकी क्या दुश्मनी? वो मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है, उसने मुझे धूल में मिलाने की पूरी पूरी कोशिश की थी, लेकिन अल्लाह के करम से और अपनी हिम्मत की वजह से मैंने खुद को संभाल लिया, और अब मेरी बारी है। मम्मी, अगर ऐसी बात है तो मैं नहीं, नहीं बेटा, वो मेरा दुश्मन है और उसका सामना सिर्फ मैं करूंगी। मैं जाओ, जाकर सो जाओ। जी मम्मी। बाय मम्मी। मोइन को ये कभी नहीं पता चलना चाहिए कि चौधरी के साथ मेरी क्या दुश्मनी है। नहीं पता चलेगा, लेकिन मैडम, वक्त कैसे पलट गया? जो आप सोच रही थी वही हुआ। हाँ भाई, मैं भी इसी इंतजार में बैठी थी कि वो मौका कब आएगा और कब चौधरी का सामना मुझसे होगा। जब चौधरी मेरे पैरों पर गिरकर माफी मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा, और तब मैं चौधरी को ठोकर मार मार कर उसे कहूंगी, जैसे जैसे तेल चलता है वैसे वैसे क्षमा की लौ कम होती जाती है, लेकिन जैसे जैसे ये तेल जलता है वैसे वैसे बदले की आग भड़कती जाती है, और अब वो इस आग से कभी नहीं बच पाएगा। नहीं बचेगा वो कभी नहीं।